मेरे करियर का शायद ये बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट रहा है। जब 2016 में एक सुसाइड टेररिस्ट स्ट्राइक हमारे उड़ी बेस में किया गया, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, और ठीक उसी दिन हमने, जबकि 18 जाने खोई, वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स, इट हैपेंड ऑन माई वॉच, उसी दिन दोपहर में रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर वहाँ पहुँचे और मेरे ऑफिस में हमने इसकी तजवीज़ बनाई। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि तब तक चाहे उड़ी में अटैक हो, चाहे पठानकोट में, चाहे सुंजवा में, कहीं पे भी अटैक हो, हम हमेशा डिफेंसिव हो जाते थे। हम और तरीके इजाद करते थे कि कैसे वो हम पर दोबारा अटैक ना कर पाए, लेकिन हम उन पर अटैक नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास टेररिस्ट नहीं है भेजने के लिए। हम LOC के पार कोई अपने एजेंट नहीं भेजते। लेकिन इस वक्त ये हमने सोच लिया कि इनफ इज़ इनफ। अब रक्षा मंत्री वहाँ थे तो हमने उनसे गुजारिश की और रिक्वेस्ट की कि हम भी एक बार उनको ठोकर पहुँचाना चाहते हैं, ठेस पहुँचाना चाहते हैं, उसके पार जाके उसको मारना चाहते हैं, उसके घर में जाके उसको मारना चाहते हैं। और सरकार ने हमें अनुमति दी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन 10 दिन के अंदर वी स्ट्रक एट मल्टीपल लोकेशंस, एक से ज़्यादा लोकेशंस में हमने जाके LOC के पार गए, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, और वहाँ जाके टेररिस्ट कैंप्स में हमने उनके टेररिस्ट को मारा। इससे एक नई शुरुआत हुई कि हॉट परस्यूट के लगते अगले दिन न सिर्फ दुश्मन के इलाके में जाके उसको मारा, लेकिन अगले दिन हमने पूरी दुनिया को अनाउंस किया। पाकिस्तान के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस को फ़ोन करके हमारे DGMO ने कहा कि हमने ये किया है, हमने ओनरशिप ली, हमारे देश ने ओनरशिप ली कि हमने एक अटैक किया है। हमने इसलिए किया क्योंकि आपने उड़ी किया है, और अगर आइंदा भी आप ऐसा अटैक करेंगे तो फिर वी रिजर्व द राइट टू कैरी आउट सच अटैक्स अगेन। 2.5 साल बाद पुलवामा में जब एक और हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ तो हमने दोबारा अंदर स्ट्राइक किया टेररिस्ट कैंप पे, इस वक्त एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके। तो भारत में एक नई सोच आ गई, एक नया तरीका आ गया कि अगर वो एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक करेंगे तो उसका जवाब हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। इस उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स मेरी किताब है इसमें, और इसको इसकी ट्रांसलेशन भी हुई है हिंदी में, भारत के जांबाज। तो इस किताब में जो पहली कहानी है वो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, और इसके अलावा जो और कहानियां हैं इस किताब में, ये हैं कहानियां मेरे कर्नल डेज की, जब मैं यंगर डेज में, जब मैं इनकाउंटर्स में, कॉम्बैट में खुद हिस्सा लेता था, तो ऐसी कहानियाँ हैं उन सोल्जर्स की, उनकी बहादुरी की, उनके हार्ट ब्रेक्स की, और कैसे हम रहते हैं LOC पर और बाकी कॉम्बैट सिचुएशंस में।